फ्रेंड्स वेलकम टू प्रकाश टैरो कार्ड रीडर. थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश टैरो कार्ड रीडर. ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए. मैं ऐसे ही चेक करने के लिए बैठा था क्योंकि अभी बिहार चुनाव हुए, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी चुनाव और बहुत ही हालत ख़राब हुई. तो आगे क्या होने वाला है कांग्रेस का. और मैंने ऐसी उड़ती उड़ती खबरें भी सुनी कि ऑल इज़ नॉट वेल विद इन कांग्रेस पार्टी. तो सोचा कि एक रीडिंग की जाए. तो ये है रीडिंग. सबसे पहले ये देखिए, ये है रीडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की. प्रेजेंट अभी शांति, तूफान से पहले की शांति. अगले 2 महीने यानी 31 दिसंबर तक का समय. फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड. साल 2021 हैंगमैन कार्ड, यानी साल 2021 में भी हालत पतली ही दिखती है. अगर कोई इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. फिर मैंने पूछा कि किसी तरह का कोई स्प्लिट हो सकता है क्या कांग्रेस में. ये कार्ड आया है, इसका मतलब यस, हाई चांसेस कि कांग्रेस फिर से एक बार टूटेगी. वेरी हाई चांसेस. अब फिर कांग्रेस में 3 ही मेन लोग हैं फिलहाल, उनके अलावा कांग्रेस कोई सोच भी नहीं सकता. वो हैं मिसेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा. ये तीनों के इर्द गिर्द ही कांग्रेस घूमती रहती है. तो इनके लिए कार्ड निकाले मैंने. तो ये है मिसेस गांधी का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो स्टिल दिमाग में जो है वो राहुल जी के बारे में बात चलते रहता है कि कैसे उनको सेट किया जाए वगैरह, क्योंकि अभी भी वो सेटल्ड नहीं है. आने वाले 2 महीने ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड मिसेस गांधी का. अब मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पे. बट जो भी लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं इस चैनल पे, वो अच्छे से जानते हैं मैं इस कार्ड का क्या इंडिकेशन रहता है. और मिसेस गांधी की मैंने जब टैरो रीडिंग की थी हेल्थ के लिए, तब भी मैंने कहा था कि नवंबर तो ठीक है, दिसंबर मंथ मिसेस गांधी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. एंड दिस कार्ड क्लियरली इंडिकेट्स अ ट्रैवल, शायद फिर से विदेश जाने की नौबत आएगी. ये कार्ड 2 तरह की चीज़ें इंडिकेट करता है. एक तो किसी न किसी तरह का कोई फॉरेन रिलेटेड मैटर, या ट्रैवल, या तो फिर एक लॉन्ग ट्रैवल, एंड ऑफ वन थिंग एंड स्टार्ट ऑफ न्यू. सो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें तो नज़र आती हैं, एक तो फॉरेन ट्रैवल बिकॉज ऑफ हेल्थ, और दूसरा कांग्रेस का स्प्लिट, कांग्रेस का एंड और एक नई कांग्रेस का जन, वो चीज़ नज़र आती है. फिर राहुल गांधी जी के कार्ड्स, ये देखिए मैजिशियन कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस कार्ड. तो ये भी कहीं ना कहीं 2021 के लिए ये कार्ड है, जस्टिस कार्ड. इसका मतलब कि हो सकता है कि कांग्रेस में स्प्लिट हो और कांग्रेस पार्टी पे किसका कब्जा रहे उसके लिए कोर्ट कचहरी में जाए मामला. जो नई कांग्रेस बनेगी उसका वो, उसको हाथ के पंजे का निशान मिलेगा या परिवार को मिलेगा हाथ के पंजे का निशान. कांग्रेस जो नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो नाम के लिए और चुनाव चिन्ह के लिए शायद कोर्ट कचहरी में जा सकता है मैटर. लेकिन यस, स्प्लिट, देर आर हाई चांसेस ऑफ स्प्लिट. फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, शी लुक्स फाइन. जो भी है
इनको इनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ते दिख रहा है, जो भी असर पड़ रहा है यहाँ पे। बट यस, ऑल इज़ नॉट गुड, गोइंग टू बी गुड विथ कांग्रेस इन नियर फ्यूचर। और स्पेशली ये दो कार्ड्स, ये बहुत कुछ कह रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि जो भी हो वो कांग्रेस के अच्छे के लिए हो और एक नई कांग्रेस का जन्म हो, और जो फिर से कांग्रेस के जो पुराने दिन थे, एक टाइम था जब कांग्रेस को एक छत्र मत पड़ते थे, तो वैसे ही फिर से कांग्रेस उभर के आ सके। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।